रहे हैं। अभी इस समारोह के बाद भी मैं पुणे की ओर रवाना हो रहा हूँ। लगभग 2300 किलोमीटर की ये प्रताप स्मरण यात्रा को कल रात 12 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी। समय बहुत ही कम है। आज मैंने खास शिरपुर वासियों के लिए अलग विषय चुना था, क्योंकि पिछली बार आपने मेरे मुंह से महाराणा प्रताप का आख्यान सुना था। राजस्थान के जोहार और साके एक अत्यंत गहन विषय, जो हमें अतीत का स्मरण दिलाता है, वर्तमान में दिशा निर्देश करता है और भविष्य के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम आज भी नाचने और गाने में ही मशगूल है। हम देरी से यहां पहुंचे। जो बौद्धिक मंथन और चिंतन हर साल इस मैदान पर होना चाहिए, उसे समया अवधि बहुत ही कम हुई। क्षमा करें, मैं इस विषय को बहुत ही चंद शब्दों में सिमटना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उस विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिनका स्मरण आज हम सब के लिए अनिवार्य है। आर्य कुल कमल दिवाकर, मेवाड़ मेद पाटेश्वर, महामहिंद्र श्री श्री 108, हिंदवा सूरज, राष्ट्र गौरव रणवीर महाराणा प्रताप सिंह जी की 477वीं जन्म जयंती पर आप सबकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज मेरे अनुज कुमार चेतन ने जिस ओजस्वी वाणी से आपके सामने सार रखा, क्षणभर मुझे ये महसूस हुआ कि अब केतन ही इस सभा की समाप्ति करें। मैं उन वीरों को स्मरण दिलाना चाहता हूं, उस बात का गौरव करना चाहता हूं। चेतक की ताप संग जो हल्दी घाटी में उड़ी, उस धूल से सजे गगन को नमन है, और धर्म संस्कृति स्वाभिमान हेतु किए शूरता के उस पावन हवन को नमन है, जो हिंदुस्तानियों के हृदयों में धधक रही राजस्थान वाली उस अगन को नमन है, और जिसने हल्दी घाटी से दिल्ली तख्त को तपाया उस राणा जी के प्रताप और तपन को नमन है, उस राणा जी के प्रताप और तपन को नमन है। मेरे साथियों, यह मातृशक्ति बहुत ही अल्प संख्या में उपस्थित है, फिर भी मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक विरासत हमारी ये रही कि जिसकी दुनिया में कोई सानी नहीं, दुनिया में कोई मिसाल नहीं। मैं उन नारियों के बलिदान को वंदन करना चाहूंगा, पन्नाधार ये पद्मिनी हार रानी वाले नारियों के स्वाभिमान को नमन है। दुनिया को केवल भूगोल है, भारत को इतिहास है, जहां त्याग मूर्ति महान नारियां जिनको सती कहा जाता है। आपको मैं बताने में गर्व महसूस करूंगा, भारत को छोड़कर अन्य राष्ट्रों में महिलाओं को लेडीज कहा जाता है। दुनिया के इस पृष्ठ पटल पर एकमात्र ये देश है जहां माताओं को सती कहा जाता है। सती शब्द के हमारे मन में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो चिता पर जल जाती है वो होती है सती। सती शब्द के कई अर्थ है। सबसे पहला अर्थ है सती, जिसका अर्थ है पवित्रता। सती का अर्थ है शालीनता। सती का अर्थ है संस्कार। सती का अर्थ है कर्तव्य परायणता। आज जोहार और साके इन विषयों पर मैं प्रकाश डालना चाहता था, लेकिन केवल 20 मिनट बाकी है समयावधि, और कानून का सम्मान करना भी हमारा परम कर्तव्य है, और यहाँ से मुझे और 450 किलोमीटर की यात्रा भी करनी है, और कल पुणे की जनता के सामने यह व्याख्यान देना भी है। फिर भी संक्षेप में मैं आपको कुछ बातों से अवगत करना चाहूंगा। जोहार क्यों किए जाते थे, साका क्या होता है, जोहार क्या होता है। प्राचीन सनातन भारत में यह परंपरा रही कि पति के निधन के बाद उसकी पत्नी चिता पर चढ़ जाती थी, जिसे सती जाना कहते थे। इतिहास में कुछ उदाहरण है, सती जाना अनिवार्य नहीं होता था। राजा राम मोहन राय ने
अंग्रेज के सियासत के समय लॉर्ड बेटिंग से कहकर इस प्रथा को बंद किया। यह एक कुप्रथा भी थी, लेकिन सती प्रथा और जौहरों की प्रथा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, उसकी कभी भी आप गलती से तुलना मत कीजिए। क्या होता था जौहर, क्यों करते थे जौहर? जब भारत के मूल शासक एक दूसरे से लड़ते थे, तब कभी इतिहास में जौहर नहीं होते थे। भारत की एक परंपरा होती थी, शंख बजाकर सूर्योदय के बाद युद्ध को शुरुआत होती थी, और जब सूरज ढल जाता था युद्ध को समाप्ति की जाती थी। अगर युद्ध में अगर कोई जीत गया, कोई हार गया, तो उसके परिवार की या उसके गांव की, राज्य की महिलाओं को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। लेकिन जब भारत शक, कुषाण, हून, ग्रीक, मोगल, तुर्क, अफगान इन आक्रांताओं की शिकार बना, इन आक्रांताओं ने सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के 712 के आक्रमण के बाद जिस क्रूरता का परिचय इस देश को, इस धरती को दिया, उसके बाद जब 1500-1200 सदी में गजनी के आक्रमण के बाद घोरी ने जब पृथ्वीराज को बंदी बनाया, 16 बार हार कर 17 बार वो जीता, पृथ्वीराज को ले गया अफगानिस्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम दिल्ली पर गुलाम वंश की नींव डाली। लेकिन जिस तरह ये शासक बने थे, उसी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम ने उसके आखिरी वारिस कैकुबाद की हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव दिल्ली की सल्तनत पर कायम की। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे ने सिंहासन प्राप्ति के लिए अपने ही चाचा का गला रेत कर हत्या कर दी, और वह स्वयं दिल्ली का सल्तनत के स्वामी बना। उसका मूल नाम था जुना खान, और सल्तनत प्राप्त करने के बाद उसने अपना स्वयं का नामांतर किया अलाउद्दीन खिलजी। भारत के इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी इनके समय, और मांडू के सुल्तान होशंग शाह इनके आक्रमणों के समय ज्यादातर जौहर और साके किए गए हैं। मैं आगे इन नारियों का गौरव करना चाहूंगा। पन्नाधाय पद्मिनी हारा रानी वाले नारियों के स्वाभिमान को नमन है। मातृभूमि हितार्थ दान जो दिया गया, भामाशाह के एकमात्र दान को नमन है। मैं आप सबको बताने में गर्वान्वित महसूस करता हूँ। इतिहास केवल एक जाति या जनजाति का नहीं होता, उस राष्ट्र के जितने नागरिक होते हैं, जितने जीव जंतु होते हैं, इन सब का इस इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपनी भूमिका उन्होंने अदा की होती है। मेवाड़ के इतिहास ने विश्व के धरातल पर त्याग, बलिदान, स्वाधीनता और श्रेष्ठ चरित्रों का उदाहरण रखा। इस महान गाथा के अनुचर अन्य जाति बिरादरी के लोग भी बने। जिन जैनों को अहिंसक माना जाता है, उन्हीं जैनों में से भारमल कावड़िया, भामाशाह और ताराचंद ने भी इस मेवाड़ के लिए शस्त्र हाथों में उठाया था और शत्रु को शासन किया था। भीलों के त्याग की बात तो अलग ही है। भील समुदाय ने मेवाड़ के शासकों को राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जो सहयोग दिया है, उस सहयोग के प्रति हमें सदैव कृतज्ञता बरतनी चाहिए। मैं आखिरी चरण में ये कहना चाहूंगा, जो घास वाली रोटी खाके भूमि पर सोए, प्रभु एकलिंग के दीवान को नमन है। शूरता, वीरता, पराक्रम के पर आए, आन बान वाले राजस्थान को नमन है। महाराणा प्रताप शासक थे, लेकिन उन्होंने कभी हुकूमत नहीं की। स्वयं को एकलिंग के दीवान उन्होंने कहलाने में धन्यता महसूस की थी। एक श्रेष्ठ चरित्र था जो प्रजा के बीच रहता था, प्रजा का लाडला बेटा था। एकमात्र शासक इस देश में हो गया जिसे प्रजा कीका कहकर पुकारती थी, जिसका अर्थ होता है बेटा। महाराणा प्रताप का नाम अगर लेना है, महाराणा प्रताप के कार्य का अगर स्मरण करना है, तो हमें उन आदर्शों का स्वीकार करना होगा, जिस आदर्शों की वजह से आप दुनिया में श्रेष्ठ जाने जाते हो या माने जाते हो। केवल श्रेष्ठ घराने में, कुल में जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। व्यक्ति श्रेष्ठ होता है अपने संस्कारों से, अपने विचारों से। दुनिया को हमसे भय नहीं लगे, अगर हम जहां खड़े हो
तो दुनिया हमें प्रेम की निगाह से देखे, उस सम्मान हमारे पूर्वजों ने सदियों तक अर्जित किया था, उस सम्मान को हमें पुनः पाना है, यही आवाहन मैं आपको करूंगा। नारियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में जैसलमेर में 2.5 जोहार हुए थे, जालोर में 2 बार जोहार हुए थे, रणथंबोर में 1 बार जोहार हुआ था, चित्तौड़ में 3 बार जोहार हुए थे, ग्वालियर में 1 बार जोहार हुआ था, और छोटे छोटे जोहार तो जगह जगह हुए थे। हजारों नारियों ने अपने शील की रक्षा के लिए, सत्व स्वत्व स्वाभिमान की रक्षा के लिए, राष्ट्र की आन बान शान और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को तपती अग्नि के हवाले कर दिया था और अग्नि फूलों का भक्षण कर लिया था। क्या है दुनिया के इतिहास के किसी पन्ने पर इस त्याग की कोई मिसाल? हे वीर पुरुषों के संतानों, आपके रगों में वो खून दौड़ रहा है जिस खून ने हर सदी में इस राष्ट्र की मिट्टी की गरिमा के लिए जो बहा, जिसने आत्मा होती दी, पूर्णा होती दी, तभी ये देश और ये धरातल दुनिया में कायम है। जीवो जीवस्य जीवनम प्रकृति का एक साधारण नियम रहा है, लेकिन उसी के साथ जियो और जीने दो, ये हमारी धरती का मूल मंत्र रहा। दुनिया के विश्व पटल से मिश्र, रोम, इजिप्त जैसी संस्कृतियां गायब हो गई, आज उनके केवल पुरातत्वीय अवशेष बाकी है, जो भी आज देखने को नहीं मिलते, आतंक के साया में वो पुरातत्वीय अवशेष अपना आखिरी सांस ले रहे हैं। लेकिन हर सदी में 800 साल तक इस धरती पर बार बार भीषण आक्रमण होते रहे, फिर भी ये देश, इस देश की आबादी, इस देश की संस्कृति आज भी कायम है। इसके कारण एक ही है कि हम परमत सहिष्णुता को महत्व देते थे, हम अपने संस्कारों पर चलते थे, सबको साथ लेकर चलते थे, यहां तक कि जीव जंतुओं तक हम प्रेम देते थे, उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित कर देते थे। जियो और जीने दो, इसी मूल मंत्र के आधार पर इस राष्ट्र की नींव रखी गई थी, इस राष्ट्र की स्वाधीनता इस राष्ट्र की गरिमा बनी, और महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सपनों में यह देश जलदरी विश्व का महागुरु, विश्व का विश्व गुरु बनने वाला है, महाशक्ति में परावर्तित होने वाला है। इन सब चीजों का रहस्य उन मूल संस्कारों में है जो हमने इस विश्व को दिए थे। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने ही मूल संस्कारों से दूर जा रहे हैं। मैं सभी जोहारों पर प्रकाश न डालते हुए केवल एक ही जोहार की बात आज मैं करूंगा, महारानी पद्मिनी के विषय पर। 10 मिनट बाकी है, एक बहुत ही बड़ा दबाव मानसिक रूप से वक्ता पर बना होता है। महारानी पद्मिनी कौन थी? विषय तो बहुत है। हमीर देव चौहान का इतिहास आप सुनोगे, रणथंबोर का इतिहास सुनोगे, मुझे ही नहीं लगता आप रात भर सो पाओगे। आज मैं पद्मिनी, जो महाराणा प्रताप की पूर्वज थी, उसके जोहार के बलिदान का इतिहास संक्षेप में, चंद शब्दों में, चंद मिनटों में समाप्त करता हूं। कौन थी पद्मिनी? कतिपय इतिहासकारों ने प्रमाण रहित इतिहास के उदाहरण पेश किए, जिससे भ्रामक जानकारियां दुनिया भर में फैली। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक की पीढ़ी किसी चित्रों को फैलाती है, 10 मिनट बराबर, मैं मोबाइल को शुरू रखा है, और ये थी पद्मिनी। पद्मिनी बहुत सुंदर थी। मैं आप सबको बता दूं, सुंदर शब्द का अर्थ केवल रंग रूप नहीं होता। अगर सुंदर शब्द का अर्थ रंग रूप होता तो केनिया या अफ्रीका की नारी विश्व सुंदरी नहीं बनती। सुंदर इस शब्द का अर्थ है उसका मन भी सुंदर, उसके विचार भी सुंदर, उसके निर्णय भी सुंदर, उसके हृदय भी सुंदर, उसकी भावना भी सुंदर, उसका आचरण भी सुंदर। और पद्मावती में ये सब गुण थे, इसलिए उसे सुंदरता की मूर्ति कहा गया था। जो चित्तौड़ के पास ही सिंगोल नाम का ठिकाना है,
जो आज सिंगोली नाम से जाना जाता है, जहां के वर्तमान शासक आदरणीय प्रदीप कुमार जी, जो मेरे परम मित्र भी है, इस सिंगोल में गंधर्व सेन और चंपावती की बेटी थी पद्मिनी। इसके पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामणि, जो बोलने में बहुत ही होशियार था, लेकिन राजा को तोते से राजकुमारी की बात करना पसंद नहीं था। राजा ने तीर उठाया, तोते की ओर चलाया, तोता उड़ गया, जंगल में भाग गया, शिकार के जाल में फंस गया। शिकारी ने पकड़ लिया, एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण बड़ा कुशल था, चतुर था, उसने उस तोते को बाजार में नहीं बेचा, उसने चित्तौड़ के रावल को बेचा। जब रावल रतन सिंह ने इस तोते की बुद्धिमत्ता को देखा तो विपुल धन देकर ब्राह्मण को वहां से रवाना किया। इस तोते के माध्यम से रावल को पद्मावती के बारे में पता चला और रावल रतन सिंह पद्मावती के लिए रचे गए स्वयंवर में उपस्थित रहे। इस स्वयंवर में पद्मावती ने रावल रतन सिंह को वरमाला डाली, दोनों चित्तौड़ में आए और सुख शांति से राज करने लगे। उसी काल में हमारा चित्र क्या है और चरित्र क्या है, इन बातों का ख्याल हमेशा रखिए। चित्तौड़ कि राज्य में एक राघव चेतन नाम का संगीतकार भी था, जो काली जादू करता था, लोगों को ठगता था।